Hello everyone, good afternoon and welcome to Unacademy. Yes, it was your demand to take the abstract reasoning, especially visual reasoning, right? So today is the first session on the visual reasoning. Here we will talk about few fundamental concepts, or I will try on the both fronts, concept building bhi and thoda practice bhi. So many sessions are scheduled. You must register for all the sessions and attend all the sessions live. Most of you must know few concepts. Kuch log aise bhi honge jinko koi concept nahi pata hai. Theek hai. So, good afternoon everybody. Let us talk about this. क्या है, कैसे करना है, what are the facts? तो in the visual reasoning, mainly ये क्यों पूछा जाता है किसी भी exam में? Mainly क्यों पूछा जाता है किसी भी exam में? It tests your observational skill, right? To test your observational skill, इस तरह के question पूछे जाते हैं. क्षमा is here, मोहित, रोहित, सोनाक्षी. Yes, good afternoon everybody, good afternoon. ठीक है, चलो थोड़ा सा fundamental की बात करते हैं, थोड़े कुछ बातें कर लेते हैं. तो कितने type के question analog इस पे बन सकते हैं visual reasoning पे? कार्तिक सोनी सेठ, राम राम, राम राम जी. रोहित आएगी, अभी तो पहला session है. ठीक है, देखते हैं what can, how can I help you. तो type of question, four main type है visual reasoning में. जैसे बाकी की रीजनिंग में आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं ना, वैसे यहां पे भी पॉसिबल है. ठीक है, फर्स्ट वन इज वेरी पॉपुलर कैटेगरी, फर्स्ट एंड थर्ड, ये सीरीज वाला. अगर हम इसको 1 2 3 बोले, इफ आई टेक इट एज 1 2 3 4, I will talk about each and everything, Rohit, but अभी मैं सिर्फ visual reasoning पे बात कर रहा हूँ. ठीक है, 25 marks हैं आपके लिए in CET exam. Good afternoon everybody, good afternoon. So type of question, Harsh, I am wrong. कहाँ पे wrong है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, गुड, वेरी नाइस. एनीथिंग एल्स? ठीक है, दैट्स नाइस. चलो गाइस कंटिन्यू, होगा कोई. ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस 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 यस. चलो, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू. अपन रोज ऐसे लोगों को फेस करते. ठीक है, होगा कोई फ्रस्ट्रेटेड. आई इग्नोर्ड इट. एनीवेज, तो फोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर गाइस. ऑड मैन आउट, लीव इट, लीव इट रोड. ऑड ऑड वन आउट हो सकता है, एनालॉगीज का क्वेश्चन हो सकता है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, एंड सिमिलर डिसिमिलर पेयर चूज करना पड़ सकता है, राइट? ऑड मैन आउट का मतलब होता है रोहन कि अमंग द फिगर्स, जैसे 5 figures गिवन है, ऑल द 4 figures विल फॉलो अ सर्टेन पैटर्न. एक ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, उसे तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा. हम मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन क्यों बोला कि एक एक टाइप पे मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है, फिर बाद में मिक्स प्रैक्टिस होगा. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. ठीक है, वेट वेट, हैव पेशेंस. अब ऑड मैन आउट गाइस, ये सब पीडीएफ में रहेगा, इजी होता है टैकल करना. वही है कि फर्स्ट, मतलब कोई भी 3 figures एक साथ कंपेयर करके देखो, 3 figures एक साथ कंपेयर करके देखो, फर्स्ट 3 में आपको पैटर्न मिल जाएगा.
ठीक है, स्टेट पे क्वेश्चन के साथ ही बात होगी। मेन ये था कि कैटेगराइजेशन और क्या क्या करना पड़ सकता है, जैसे एनालॉगीज में, सीरीज में, रिक्वायरमेंट क्या है, लॉजिक क्या यूज होती है, इस पे बात कर लो। टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड लॉजिक यूज, दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। कबीर इज हियर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो जैसे फिगर्स में क्या होता है ना, छोटे छोटे तमाम ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, नंबर ऑफ एंटिटीज में, या फिगर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा सकता है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट किया जा सकता है, शेडेड पोर्शन, नॉन शेडेड पोर्शन, या और भी अगर उसमें कुछ डिजाइंस है उनमें चेंजेस आ सकता है, पोजीशंस इंटरचेंज या कुछ शिफ्टिंग कर सकते हैं, साइज लेस आर मतलब इंक्रीज आर डिक्रीज कर सकते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज या सिमेट्री पैटर्न हो सकता है, इसके अलावा डायरेक्शनल चेंजेस हो सकते हैं आपस में, ठीक, फ्यू मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडेड, फ्यू मे बी डिलीटेड, सो दीज आर द फ्लिपिंग हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, सो दीज आर 6-7 पॉइंट्स जिनके अराउंड वो क्वेश्चन पूरे डिजाइंड होते हैं, मतलब इन्हीं में से कुछ ना कुछ एक लॉजिक आपकी यूज होगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज एनालॉगीज, आज हम लोग एनालॉगीज पे काम करेंगे, ठीक है। मैं दो एग्जांपल करूंगा, फिर मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। ठीक, अब जैसे एनालॉगीज में हमेशा क्या होगा, नहीं ये कैट में नहीं आता, अदर देन कैट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनमैट में आएगा, सीटी में आएगा, स्नैप में भी आ सकता है, सीमैट में भी आ जाता है, यस यस यस, वेट, आईएफटी में नहीं आएगा। अब जिनको लॉजिक नहीं पता, मैं उनके लिए क्लास थोड़ा सा मैंने बेसिक से ही इसीलिए शुरू करा है कि पिछली क्लासेस में कुछ बच्चे थे जिनको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। रोहन आप कैट लिखते हो, आप कैट की क्लास में कभी नहीं आते हो, हमेशा सिर्फ ऐसी क्लास में आओगे, ज्वाइन द कैट क्लास, ठीक है, ये सीटी के लिए स्पेशली है क्लास। सो सी, तो यहां पे जो रूल इन दोनों फिगर्स में वही रूल इसका किससे है, ठीक है, तो जस्ट नंबर ऑफ फिगर डबल हुई है, नंबर ऑफ फिगर डबल करना है, दिस मस्ट बी द राइट आंसर, सबका यही आंसर था, राइट है। गाइस अगर पैटर्न दिख जाएगा ना तो 45 सेकंड क्या, मतलब 20-25 सेकंड सफिशियंट है, थोड़ी अगर प्रैक्टिस हो गई तो। इन दिस यस पोल से करेंगे आंसर, क्वेश्चन तो पोल से ही करेंगे, ठीक है। नाउ सी क्या रिलेशन है, एक तो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा थ्री लाइंस थी फोर लाइन, अभी फोर लाइन से मतलब प्लस वन का इंक्रीज, तो फाइव लाइंस, पेंटागन आना चाहिए, पेंटागन दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो लॉजिक धीरे धीरे डेवलप करते हैं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे मैंने बहुत सारे सेशन शेड्यूल करे हैं कि फंडामेंटल से लेके बिल्कुल एग्जैक्टली आपके एग्जाम के लेवल तक हर लेवल की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो नाउ यू स्टार्ट, आपको करना है अभी प्रैक्टिस। डोंट टाइप आंसर हियर, आई विल एक्टिव द पोल। नोबडी विल टाइप द आंसर हियर, आई विल एक्टिव द पोल। आप पहले अपना कंक्लूजन बना लो, आप अपना कंक्लूजन बना लो। जस्ट अ सेकेंड पूजा, हैव पेशेंस। पोल इज एक्टिव, चूज योर ऑप्शन, कम ऑन गाइस, पोल इज एक्टिव, चूज योर ऑप्शन, एवरीबॉडी, nobody will type the response here, you have to give the response through the poll. If you need more time, pehle hi bata do poll active karne se pehle, theek hai, okay Rohan, wait. पूजा पोल नहीं है, काइंडली रिफ्रेश, पूजा काइंडली रिफ्रेश, क्योंकि
देखिए इतने सारे रेस्पॉन्सेज है, इट मीन्स पोल तो आया है ना, टॉप 10 की रैंक है गाइस। टुडे आई एम डाउन विद फीवर आल्सो, तो थोड़ा सा क्लास स्लो हो सकती है, बट नॉट एन इशू। रैंक वन पे अमन है, रैंक टू पीयूष एंड रैंक थ्री इज निधि। अमन बी अलर्ट, निधि इज हियर एंड टॉप 10 की रैंक है। यू कैन शेयर योर रैंक। पहला क्वेश्चन है, एक रैंक पहली बार देख लेते हैं। अब देखिए जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया, बीच वाली ये एनालॉजीज आप कर रहे हैं। फर्स्ट टू में रिलेशन देखिए, फर्स्ट टू में रिलेशन क्या था, बीच वाली लाइन जो है एलांगेट हो गई है। अभी इसका क्या होगा, बीच वाली लाइन एलांगेट हो जाएगी, तो ये वाली फिगर कहां दिख रही है, फर्स्ट में। क्लियर एवरीबॉडी, अपनी रैंक शेयर कर दो यार फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। गाइस शेयर योर रैंक, टैग योर रैंक हरिया। Everybody, share your rank. Share your rank यार, thumbs up नहीं चाहिए, rank share करो। क्या rank आई अभी आपकी? Anyway, take second. Never give up, Nitesh. Nitesh, first option आया था। आपका answer wrong हुआ होगा तो भावेश, चलो take a try guys. Don't type the response here, Sonakshi. Nobody will type response here. Wait for the poll. Should I active the poll, guys? Logic crack हो गई आपकी. Should I active the poll? किसी को time तो नहीं चाहिए. चलिए मैं poll active करता हूँ. Choose your option. क्वेश्चंस इजी हैं, बस शुरुआत है, बेसिक्स जिनके क्लियर कमजोर हैं उनको थोड़ा सा फाउंडेशन उनका बनाना है। 93% है, टेक्निकल सिंह डोंट टाइप द रिस्पॉन्स हियर। पोल एक्टिव हो रहा, पोल के थ्रू रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है अमन, आपकी रैंक चेंज हो गई, रेस्ट टॉप 10 रैंक यही है गैस। लॉजिक क्या है देख लो, पूजा की रैंक 24, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स 26, हर्ष थोड़ा सा इंप्रूव करो रैंक को, एनीबडी एल्स 27, मोहित थोड़ा सा इंप्रूव करो, अलर्ट रहो जल्दी से, मतलब रेस्पॉन्स टाइम पे भी रैंक चेंज होता है ना। नितेश थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, इजी लॉजिक है, अभी क्वेश्चंस अभी बहुत बेसिक चल रहे हैं। सोनाक्षी जब आप सबमिट करते हैं, जब पोल आप आंसर मार्क करते हैं, उसके बाद आपको नीचे कुछ सेकंड के लिए रैंक आपकी आती है। अब देखो क्या हुआ, मैंने बताया था ना कि क्या क्या लॉजिक यूज हो सकती है, लीडर बोर्ड क्या क्या लॉजिक यूज हो सकती है, रोटेशन भी हो सकता है ना। अभी अगर आप देखो इस पूरे पिक्चर को, ये डॉट यहां से यहां आ गया, ये कब होगा, जब ये 90 डिग्री रोटेट कर दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करोगे तो देखो पूरी फिगर रोटेट हो जाएगी ना, ये ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर गया, इसको क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट करो तो ये वाला पोर्शन कहां आ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, यही तो है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस यस नितेश, लेट मी शो, ये पीडीएफ ही आपको मिल जाएगी ना आफ्टर द सेशन, आप स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हैं, पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। इफ यू स्टिल वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट दिस, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना आफ्टर द सेशन। आप रोहित अभी एक चीज मैंने स्टार्ट करी ना, इतनी क्वेरीज क्यों करते हैं आप लोग, चार टाइप है, नंबर ऑफ सेशंस आर शेड्यूल्ड, एक एक सेशन सब पे होगा, देन मिक्स प्रैक्टिस होगी, have patience please, take this, पहले
पहले एक छोटी छोटी लॉजिक्स डेवलप करने की कोशिश करो। अजीब अजीब रिक्वेस्ट आती है भाई आप लोगों की। राजू हैव पेशेंस, प्लस के बारे में क्या बोलना है? रोहन क्या जानना चाहते हैं प्लस के बारे में? यूज माई कोड rpsingh.imas3948, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो, 15700 पड़ेगा। ठीक है, मैं काइंडली डू नॉट टाइप द रेस्पॉन्स हियर। एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो, जितना करना है करो। अभी एनुअल ले लो, काहे लिए दो साल का लोगे? ठीक है, एनुअल ले लो, यूज दिस कोड, अदरवाइज 17,000 समथिंग पड़ेगा। वेट यार करता हूं, बीच में अलग अलग क्वेरीज भी आती रहती है ना। सो लॉजिक क्रैक हो गया सबका? चलो लेट मी एक्टिव द पोल। पोल इज एक्टिव, चूज योर ऑप्शन। पोल इज एक्टिव, बड़ी जल्दी थी सबको। यस रोहन, यस। नो, मैंने तो फिफ्थ ऑप्शन मार्क किया, फिफ्थ ही राइट आंसर है। फिफ्थ इज द राइट आंसर। अब इतनी जल्दी रहती है कि बस तुम्हें 20 सेकंड में आंसर देना ही देना है ना। सीखने की तो कोशिश ही नहीं करनी है किसी को, जो सीख लिया वो सफिशियंट है आपको लगता है। छोटे से क्वेश्चन में 100% मतलब 0% पोल गया है। रूल देखो, दोनों फेसेस जरा कंपेयर करो। फेसेस कंपेयर करो, नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, ये नहीं बनेगा। फर्स्ट से सेकेंड में डॉट में कोई चेंज आया? चलो सारी पिक्चर कंपेयर करते हैं। एवरीवन हैज देयर ओन रीजन, नॉट एन इशू। देखो चेंजेस, मेजर चेंज तो आपको फेस में नजर आ रहा है, डॉट्स में कोई चेंज है नहीं है। दूसरा चेंज हार्ट में नजर आ रहा है। फर्स्ट में कोई हार्ट डार्क है? अगर फर्स्ट में डार्क होता, फर्स्ट में अगर हार्ट डार्क होता तो पैटर्न या कुछ रिलेट हो पाता। फर्स्ट में कोई हार्ट तो डार्क है नहीं, कोई कलरफुल तो है नहीं। ठीक है, फर्स्ट में कोई कलर तो है नहीं, ये आपने पैटर्न कैसे जान लिया? चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करते हैं। आई विल चेक कि यहां पे डार्क होना चाहिए था कि नहीं, मे बी कि मेरे से ही, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है इसको बनाना। टेक नेक्स्ट, टेक नेक्स्ट। चलो टेक दिस, टेक दिस।
लॉजिक थोड़ी अलर्ट होके बनाना। जब लॉजिक क्रैक हो जाए मेरे को बता देना। रोहित इफ यू टाइप दिस सेंटेंस 200-300 टाइम्स तो इससे कुछ मिलेगा क्या आपको? आर यू गेटिंग JBIMS बाय दिस टाइपिंग दिस रेस्पॉन्स? एक एक नमूने आ जाते हैं यार। हु टोल्ड यू टू टाइप द लॉजिक हियर? नितांशु, ना तो आपको आंसर टाइप करना है ना तो आपको लॉजिक टाइप करना है। लेट अदर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। नॉट एन इशू, चलने देते हैं थोड़ी देर, देखते हैं। लेट हिम डू हिज जॉब, नॉट एन इशू। हो गया सबका? Everybody have you finished? बंदे का frustration कहीं तो निकलेगा ना, कहीं से frustrated होगा, आ गया यहां पे। चलिए choose your option। See the leaderboard. Rohit, focus on your rank. Your rank is 7th, right? So top 10. Nidhi, aapki rank down ho rahi hai. Aman, improve karne ki koshish karo. Kya logic mili? Mirror image hai. First figure ki mirror image hai, dusri figure. So yahan pe mirror hai. Theek hai? एग्जैक्टली कौन सा शेप बनेगा? दिस वन। कार्तिक टॉप 3 में, गुड। बस इसे मेंटेन करने की कोशिश करो। सोनाक्षी, मिरर समझ नहीं आता। जैसे अब देखो ना, जैसे कोई भी मिरर होगा, ऑब्जेक्ट अगर यहां से जा रहा है तो वो उसकी इमेज यहीं से शुरू हो जाएगी। वाटर इमेज में क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, इसकी मिरर इमेज नितेश देखो, मिरर इमेज तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये ऐसे ही तो बनेगा, ये ऐसे ही तो रहेगा। अगर यहां पे मिरर रखोगे तो ये ऐसे जस्ट रोटेट होगा। नो राजीव, इट्स नॉट कैट लेबल। ठीक है, जबकि यहां पे ट्रायंगल इन्वर्ट हो गया है। ट्रायंगल क्या होना चाहिए था? दिस वन। ठीक है, इसलिए फोर्थ नहीं होगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर। हो गया, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Nobody will type the response, nobody will type the logic. Take your time, आराम से करो। ठीक है, अभी थोड़े से concepts को मैं लेके चल रहा हूं। कई सारे sessions scheduled हैं, you will get all type of questions. Okay, lots of students are there, जो इसको कर ही नहीं पाते।
Should I active the poll? ठीक है, I'm waiting. Done. Chalo, poll is active. Choose your option. Okay, this is the top 10 rank. What is the logic? Right answer is 3. अगर आप देखो, top and bottom में जो design है, ये आपस में close हुई और ये top design बना रही है. ये design shift हुई, color change हुआ. Side की design enlarge होके mix हो गई. तो क्या होगा? They will come to closer. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये नीचे जाएगा, color change होगा, ये enlarge होगा. Third option. सोनाक्षी, आपको रैंक नहीं दिख रहा है, आप रिफ्रेश करो, आपके नेटवर्क में कुछ इशू हो सकता है. गॉट इट? टेक नेक्स्ट. बी केयरफुल. आइडेंटिफाई कर लेना. अंकित कुमार इज हियर, अमन इज हियर. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. Do let me know and finished. Done. Easy to crack. Anjali is here. Anjali, good afternoon. Should I active the poll? Kisi ko time chahiye? Should I active the poll? Anybody else? चलो, पोल इज एक्टिव. चूज योर ऑप्शन. चूज योर ऑप्शन गाइस. कम ऑन.
only two students got 5 out of 6 correct. Karthik, kya rank aaye abhi? Everybody, can you share your rank? Chalo, kya rule hai bhai? Rule identify hua? Kya rule hai Rajiv? मिडिल फिगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और कलर चेंज कर रही है, ठीक है, और ये वाली फिगर एनलार्ज हो रही है, अंकित यू आर 12th पास, अच्छा फोर्थ इसलिए नहीं होना चाहिए कार्तिक, देखो दोनों में कलर चेंज हुआ है ना, दोनों का कलर चेंज हुआ है ना, ठीक है कार्तिक, दोनों में कलर चेंज हुआ इसलिए फोर्थ नहीं होगा, ठीक है, टेक नेक्स्ट. Rohit, what do you have to do? कुछ करना उसके साथ कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है. Try to solve this question. Come on, guys. Try to solve this. रोहन आई विल नॉट टेक दीज थिंग्स इन दिस क्लास, आप डाउट सेशन में आइए या ग्रुप पे, ग्रुप है ना व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर पूछ लीजिए इफ यू आर मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. कम ऑन गाइस, हैव यू फिनिश्ड? शुड आई एक्टिव द पोल? शुड आई एक्टिव द पोल? गुरजीत, वो टाइम भी आपको मिलेगा, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी. विल गेट द अपॉर्चुनिटी, जा क्वेश्चन के साथ ही पोल भी एक्टिव होगा, डोंट वरी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था ग्रुप पे कि हमें बेसिक्स नहीं पता है. ये है टॉप 10 की लिस्ट. अपना रेस्पॉन्स टाइम इंप्रूव करिए और अपना रेस्पॉन्स भी इंप्रूव करिए कि राइट रेस्पॉन्स आने चाहिए. क्या लॉजिक है? लॉजिक डिकोड हुआ कुछ? हॉरिजेंटल मिरर इमेज है.
हॉरिजेंटल मिरर इमेज है ना कि वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, डॉट पोजीशन सेम है, ये भी कह सकते हैं। मतलब फ्रेम का हॉरिजेंटल मिरर इमेज ले लिया और डॉट सेम रखा, ठीक है, फ्रेम का हॉरिजेंटल मिरर इमेज ले लिया और डॉट्स को सेम रखा, यही लॉजिक है। एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इससे हाई होगा, 10% आप हाई मान सकते हैं। अभी आप जितना सफिशिएंट टाइम पा रहे हैं ना, जब आप 40 सेकंड में करेंगे तो यही आपको डिफिकल्ट लगेगा। कम ऑन, ओके, तो गुरजी ट्राई, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ तो उससे क्या होगा कि लॉजिक भी डेवलप हो जाएगी। लॉजिक डेवलप होना जरूरी है, 25 क्वेश्चंस का मैटर है, ठीक है, डन। चलिए लेट मी एक्टिव द पोल। राइट आंसर इज, just a second, let me check the answer. Yes, poll is active, poll is active, choose your option. Come on. This is a top 10 rank. Ankit, मैं logic बता देता हूं। देखो, square enlarge हुआ, दोनों triangles invert हुए और join हुए। जो मिडल फिगर है वो एनलार्ज होगी, दोनों इन्वर्ट होंगे और ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पूरा यहां पे कोई स्पेस नहीं मिलेगा, पूरा ही कलरफुल हो जाएगा जब इसे फ्लिप करके और ज्वाइन करोगे। यस, बीच वाली फिगर एनलार्ज होगी, ट्रायंगल देखिए दोनों इन्वर्ट होके ज्वाइन हो गए। स्क्वायर है, स्क्वायर एंड लार्ज हुआ, अभी देखो इस स्क्वायर का इधर कलर है, इधर कलर है, इन्वर्ट कर दो दोनों ट्रायंगल को तो ये फिगर नहीं बन जाएगी। और स्क्वायर एंड लार्ज हो गया, इसको इनक्लोज कर रहे हैं, अभी क्या होगा, सर्कल एंड लार्ज होगा, इन दोनों को इनक्लोज करेगा, ठीक है, और इनको इन्वर्ट करके ज्वाइन कर दो तो ये दोनों ब्लैक कलर आपस में ज्वाइन नहीं हो जाएंगे और दोनों व्हाइट ऐसे आ जाएंगे ना, इधर ये इधर आ जाएगा। आंसर क्या दिया है, सी दिया, लॉजिक इज दिस। अच्छा सेकेंड, ये कलर इसकी इमेज भी बहुत क्लियर नहीं है, लॉजिक समझ आया, लॉजिक समझ आया ना। चलिए मैं इस नेक्स्ट टाइम थोड़ा पिक्चर क्वालिटी का ध्यान रखूंगा। दिस इज द लॉजिक, अब ये इतनी धुंधली इमेज आ रही है कि यहां से कुछ विजिबल डिसाइड कर पाना मुश्किल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
चलिए थोड़ा सा भी इमेज तो क्लियर है। इसे आइडेंटिफाई करना इजी है। डन। Everybody done? Shefali, have you finished? Passan, have you finished? Chaliye, let me active the poll. Right answer is this. Choose your option. Okay, चलो this is the top 10 list guys. क्या logic है? Line along with the symbol right side में shift हो रहा है और direction reverse हो रहा है. देखिए ये right आया, ये इधर आ गया, ये right आया कि नहीं आया और direction reverse हुआ. ठीक है, अ क्वेश्चन फिगर में लाइन एंड इट्स सिंबल मूव्स टू द राइट साइमल्टेनियसली, वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं. जैसे ट्रायंगल यहां पे बॉटम में था, अभी टॉप पे चला गया. ठीक है, एंड द हार्ट मूव्स टू द बॉटम. आया सेमी सर्कल था, देखो हार्ट हार्ट यहां बॉटम में आया ना, डायरेक्शन चेंज किया ना, तो लाइन और सिंबल राइट साइड में शिफ्ट होंगे और जो सिंबल है वो डायरेक्शन अपनी रिवर्स करेगा. इज द लॉजिक. सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. टेक दिस. Should I active the poll? Question. Logic क्या है? Eyes का color change हुआ है and mouth का direction reverse हुआ है.
टू एंड फाइव में हेड का डिफरेंस है, हेड की डिजाइन देख लीजिए। चलिए पोलिस एक्टिव चूज योर ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम इमेजेस थोड़ी और क्लियर मुझे रखनी पड़ेगी। गेस टुमारो एट 9 AM अगेन यू हैव असेसन ऑन अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अभी तो मैंने थोड़े फंडामेंटल पे काम किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि इस तरह के भी लोग होंगे। टुमारो आई विल लेट यू नो कि हाउ टू प्रैक्टिस। टुमारो एट 9 AM गेस दिस इज टॉप 10 रैंक। राइट आंसर इज सेकेंड। लॉजिक वही बताइए, आईज का कलर चेंज हो रहा है, माउथ रिवर्स हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, आइए लॉजिक बदलते हैं, यहां पे आते हैं, अभी पिक्चर क्लियर है। एट द सेम प्लेटफॉर्म स्पेशल सेशन है 9 AM पे। आफ्टर दिस सेशन सबके लिए आप लोग रजिस्टर कर लेना, सो मेनी सेशंस आर शेड्यूल्ड। कमन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ABCD। कॉलम वाइज रूल चेक करना, डोंट टाइप द आंसर हियर, डोंट टाइप द आंसर हियर। पोल इज एक्टिव चूज योर ऑप्शन। कमन अभी विद एवरी क्वेश्चन 45 से मतलब 30 सेकेंड ही आपको मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ ही मैं पोल एक्टिव करूंगा, ठीक है। पहले हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, अभी पोल इज एक्टिव, डिसीजन बनाइए। रोहित आपकी रैंक डाउन जा रही है, रैंक सवालों अपनी ट्रिकी क्वेश्चन तो आई जाएंगे, ठीक है। यस राजू यू आर रैंक वन। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने से मतलब नहीं होता, बाकी चीजें ही करनी होती है। हर्ष अभी आपको 30 सेकंड में ही रेस्पॉन्स देना होगा, ठीक है, अभी आपको 30 सेकंड में ही रेस्पॉन्स देना होगा। भावेश वेट करिए, वेट करिए। कॉलम्स में ही आप रूल आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कॉलम्स में रूल आइडेंटिफाई करना है।
आइडेंटिफाई हुआ रूल, कॉलम में या रो में चेक करो, एवरी रो सिक्स फिगर्स, यहां पे तीन एक चार, दो फिगर वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, और बी क्यों नहीं आएगा और ए क्यों नहीं आएगा? ए में कोई भी बोल्ड नहीं, बी में दोनों बोल्ड है, डी में एक ही बोल्ड है, एक ही बोल्ड स्क्वायर तो है। ठीक है, टेक 15 सेकेंड्स एंड आई विल एक्टिव द पोल। Should I active the pool? Should I active the pool? Have you finished? Choose your option. Finally, rank one के लिए हम लोग clap करेंगे. After the session, download the PDF. Solve all the questions. They are very easy. And be ready for tomorrow's session. कल से सिर्फ practice होगी. ये है टॉप 10, अना इज रैंक 1, राजीव इज रैंक 2, अमन इज रैंक 3, रेस्ट सबकी रैंक होगा ये गिवन है। बेसिकली द थर्ड कॉलम इज फर्स्ट कॉलम विदाउट कलरिंग द सेकेंड कॉलम। अब देखो ना, फर्स्ट कॉलम में ये, तो सेकेंड कॉलम में जहां जहां कलर था उसे हटा दिया है, थर्ड कॉलम में ये हटा दिया, देखो ये बन गया, ये हटा दिया यहां से, देखो ये बन गया। अभी क्या करना होगा, अब जहां पे ये कलर है यहां पे कलर तो है नहीं, एग्जैक्टली यही फिगर यहां बन जाएगी। ठीक है, गॉट इट? मनीष पैसन देखो क्या है, लॉजिक क्या है, जरा फर्स्ट और थर्ड कॉलम पे नजर रखो, सेकेंड कॉलम में जहां पे कलरिंग है फर्स्ट कॉलम से वो कलर हटा दो, वही थर्ड कॉलम है। इसको वेरीफाई यहां पे कर लो, देखो ये दोनों हटा दो तो यही थर्ड कॉलम है। अभी क्या होगा, ये हटा दो यही थर्ड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अब ऑलरेडी ये जो कलर है वो यहां पे कलर यूज ही नहीं होता, सेम आ जाएगा। ठीक है ना, चलो टेक नेक्स्ट। Do let me know and finished.
should act in the poll. Sorry. Let me active the poll. Galat mark ho gaya tha. Don't type the answer. Have patience. Choose your option. Forty-five degree turn है, right shift है, color है, three points are there. This is top 10 rank. Guys, three more questions क्योंकि time कम बचा है अभी. क्या-क्या है? 45 degree turn है, right shift है, color change है. ठीक है? Apply करो, you will get the answer. Come to this. Should I active the poll? अब देखिए अब इस बार आपको row wise देखना पड़ेगा rule को. Poll is active. One thirty-five degree का turn है anti clockwise. This is the rule. अपनी ranks देख लो. ठीक है. Double question mark joined us. Welcome भाई. Welcome to Unacademy. Take this. अगेन आपको रूल कहां आइडेंटिफाई करना रो वाइज. पोल इज एक्टिव. चूज योर ऑप्शन. After this, guys, you must share your rank. Finally, rank one के लिए सब लोग clap करेंगे. अने good. Rank one maintained है. Aman, where are you? आपकी rank down हो गई है. अभी जब final clapping का time आ रहा है, compete करना चाहिए. ठीक है? नाइंटी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कलर्स का. सीओडी तो पॉसिबल ही नहीं. ए और बी में होना चाहिए. अब देखिए ये नाइंटी डिग्री रोटेट होगा कहां जाएगा.
और फिर वो 90 डिग्री रोटेट होगा तो कहां जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना रोटेशन, इस लाइन को भी देखो, सेवन से स्टार्ट किया था मतलब, अच्छा रैंक अभी 20 पे है, सेवन से स्टार्ट किया था तो मतलब अलर्ट रहो नहीं तो रैंक तो डाउन हो ही जाएगी। एनीबडी एल्स गैस, विल यू टाइप योर रैंक, विल यू टाइप योर रैंक, हरी अप एवरीबडी एवरीबडी। दोनों ही देखना, मतलब किसी से भी देखो ना, लाइन तो सब में है ना, 30 to 11। एनीवेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एवरीबडी बी रेडी टुमारो एट 9 AM, ठीक है, कल अब से प्रैक्टिस शुरू होगी। अमन एक बार बना के देख लेना फिर से, 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देना, और फिर 40 पहले 90 डिग्री फिर 45 डिग्री, फर्स्ट से सेकंड में 90, 90 से सेकंड से थर्ड में 45 डिग्री। टेक दिस फाइनल क्वेश्चन, आफ्टर दिस जो रैंक वन होगा उसके लिए क्लैपिंग होगी, तो बी अलर्ट। पोल इज एक्टिव, चूज योर ऑप्शन। So finally Anna is rank one, ठीक है, so let us clap for Anna, Anna keep it up। So students ये बस introduction part था कि कैसे कर सकते हैं हम लोग, I tried, from tomorrow onward exactly CT level पर practice करेंगे and mixed questions होंगे, ठीक है, type of question जरूर identify कर लेना क्योंकि सब में logic थोड़ा सा different होता है, मैं सोच लेना आंसर राइट मार्क किया मैंने, गलत नहीं है वो, ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आई विल डिस्कस इट टुमारो, कल मेरे को बता देना, आई विल कैरी द पीडीएफ, अभी आप क्लास के बाद डाउनलोड द पीडीएफ, गो थ्रू एंटायर द सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस थ्रू द पीडीएफ, और जो भी क्वेरीज है कल 9 AM पे आई विल डिस्कस, ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे।